नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो जैसा मैं हर वीकेंड पर आप लोगों के लिए कोई स्टॉक लेकर आता हूं, तो इस बार का जो स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है वो है बजाज ऑटो। तो आज हम देखेंगे बजाज ऑटो की सारी एनालिसिस करके कि बजाज ऑटो जो है आने वाले समय में किस तरह का मूवमेंट कर सकता है, हमें बजाज ऑटो अपनी पोजिशन बाइंग के लिए रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो उसके बारे में मैं जो है आपको सारी एनालिसिस करके बताऊंगा। देखिए, मैं हर वीक आप लोग के लिए जो स्टॉक लेके आता हूँ उसमें मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस करना सिखाता हूँ, उसको बताता हूँ कि किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करते हैं, किस तरह ट्रेंड लाइन वर्क करती है। तो मैं आप लोग के लिए ये जो है नया जो है प्रोजेक्ट मैंने आप लोग चालू किया है कि आप लोगों को जो है कैपेबल बनाना है कि मतलब आप लोग किसी टिप्स वगैरह के चक्कर में ना पड़े और जो है मतलब खुद के एनालिसिस करें और सीखने पर ज़्यादा ध्यान दें। तो आप लोग से मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि जो भी मेरे दोस्त सज्जन मित्र यहाँ पर नवे हैं और जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लें कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। देखिए, इस चैनल पर आपको जो है ऐसी ही लर्निंग वीडियो सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, जिससे आप जो है अपनी नॉलेज जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए, आइए हम शुरू करते हैं बजाज ऑटो के बारे में वीडियो। इस पर ज्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, तो इसे चलिए टाइम ना खराब करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा हम अपने जो स्टॉक उठाते हैं उसमें हम एक साल के एनालिसिस आपको मैं करके दिखाता हूँ, तो इसमें भी सेम हम वही चीज करेंगे। तो ये देखिए, हम ले लेते हैं यहाँ से अप्रैल 18 से। तो चलिए, जो पिछला सपोर्ट लगा हुआ है वहां से हम पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, जिस तरह से हम चलते हैं। अब हम यहाँ से अपनी एनालिसिस चालू करते हैं। तो ये देखिए, ऊपर से स्टॉक गिरता हुआ, ये जो पिछला सपोर्ट था, ये जो सपोर्ट था जिसको हमने ड्रॉ करके रखा हुआ था, यहां पर इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद और जो है ऊपर, ये देखिए कहां तक गया है, ये जहां पर इसका लास्ट टाइम इसने ये जो रेजिस्टेंस लिया हुआ है यहां तक गया हुआ है। तो चलिए, हम इसको जो है ड्रॉ करके रख लेते हैं। तो अब हम यहां से अपनी एनालिसिस चालू करेंगे। तो देखिए, यहां पर जो है आकर इसने सपोर्ट लिया 2730 रुपए के लेवल पर। 2730 रुपए के लेवल के बाद सपोर्ट लेने के बाद यहां पर ये कंटिन्यू कुछ दिन तक यहां पर सस्टेन होता रहा। ये देखिए, कुछ दिन तक सस्टेन होता रहा। सस्टेन होने के बाद फाइनली इसने जो है इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद जो है इसका जो रेजिस्टेंस था 3000 पे, 3010 रुपए का, उस रेजिस्टेंस को इसने टच किया। अब देखिए क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस को टच करने के बाद यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी कैंडल बन रही है, जिसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। तो जब भी ये कैंडल हमको रेजिस्टेंस पर फॉर्म होती हुई दिखती है तो हमारा जो है सेल साइड का ट्रेड जो है हमारे दिमाग में घूमने लगता है। बट हमको जो है एकदम से इसमें सेल जो है अग्रेसिव नहीं कर लेना है। तो यहां पर देखिए, शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद एक दो कैंडल और बीरेज बनी, उसका फाइनली जब इसका यहां पर जब इसका लो ब्रेक हुआ है तब हमारी यहां पर एंट्री होती है। आइए देखिए आगे क्या होता है। आइए देखिए, अब ये जो है यहां पर सपोर्ट कहां पे लिया है, लास्ट टाइम वहीं पर जहां पर लास्ट टाइम इसने सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया था। इस बार भी इसने यहीं पर सपोर्ट लिया है और फिर बाउंस बैक किया है, सेम वही चीज फॉलो हो रही है। आप यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे, ये देखिए यहां पर भी जो है कुछ दिन यहां पर 5 से 10 दिन यहाँ पर सपोर्ट किया, जिसने सस्टेन किया था और उसके बाद फाइनली जो है ऊपर की तरफ निकला था। और यहां पर भी देखिए क्या हो रहा है, यहां पर भी सेम चीज हो रही है। यहां भी देखिए, ये देखिए यहां पर जो है, यहां भी ये कंटिन्यू थोड़े दिन यहाँ, सॉरी इसको मैं यहीं पे कर लेता हूँ, या फिर इसको हम ड्रॉ, इसको ड्रॉ करने से अच्छा है हमने जो पीछे ड्रॉ करके रखा हुआ है हम इसी को एक्सटेंड कर लेंगे। तो ये देखिए, यहां पर भी जो है सेम चीज हुई है। आप देख रहे हैं जैसे सपोर्ट पे लास्ट टाइम हुआ था। देखिए, मार्केट जो है अपनी जो है हिस्ट्री रिपीट करती रहती है, और टेक्निकल एनालिसिस इसी का नाम है, ठीक है ना। हम सिर्फ प्रेडिक्शन करते हैं कि लास्ट टाइम मार्केट में क्या हुआ था और इस बार भी इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो जिस टाइम जो पिछली बार हुई थी, तो क्या हम उसको प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इस बार भी ऐसा ही होगा? तो मार्केट जो है देखिए प्रेडिक्शन की गेम है, हम यहाँ पर हर चीज प्रेडिक्शन करते हैं, यहाँ पर जो है 100% कुछ भी नहीं होता है। तो देखिए, इस बार भी यहां पर जो है कंटिन्यू सस्टेन करते रहा और उसने फाइनली ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट देने के सॉरी ब्रेकआउट देने के बाद इसको मतलब लेवल क्रॉस किया। अब यहां पर ऊपर से इसके लिए यहां पर देखिए एक ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, जो ये लास्ट टाइम जो इसने हायर लो लगाया था। तो हम यहां पर एक रेजिस्टेंस हमने यहां पर पहले से ड्रॉ करके रखी हुई थी कि अगर यहां को स्टॉक यहां पर मिलेगा तो हम सेल साइड की एंट्री बना सकते हैं। तो यहां पर हमको देखिए, इस पर हमको यहां पर नियर अबाउट 2920 रुपए के लेवल पर हमको यहाँ पर स्टॉक आकर फिर मिला, जो है कैंडल फॉर्म हुई बीरिश, ये देखिए बीरिश सेंटीमेंट यहाँ पर बना, फाइनली इसका जो है लो ब्रेक हुआ और यहाँ पर स्टॉक हमको लास्ट टाइम फिर हमको उसी सपोर्ट पर मिल गया जिस सपोर्ट से हम चलते आ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए 1 2 एंड 3, यहाँ पर 3
ट्रिपल बॉटम पैटर्न बन गया है। अगर आपको पैटर्न के बारे में नॉलेज होगी तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ट्रिपल बॉटम पैटर्न बन गया है। ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनने के बाद जो रैली होती है काफी अच्छी होती है। तो अब मैं ये सब डिलीट करते जाता हूँ, नहीं तो चार्ट जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और जो है इस तरह के चार्ट देखने मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये देखिए, अब इस सपोर्ट पर आकर इसने कितनी अच्छी एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई है। देखिए यहां पर जो है चीजें सारी मिक्स होकर चलती हैं। यहां पर हमने चार्ट पैटर्न भी फॉलो करने होते हैं, यहां पर हमने जो है कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करने होते हैं, यहां पर हम मल्टी कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करते हैं। देखिए एक ट्रेड जो है, एक ट्रेड की एनालिसिस के पीछे, ट्रेड के एग्जीक्यूशन के पीछे कितनी एनालिसिस छुपी होती है वो शायद आपको समझना पड़ेगा। तो यहां देखिए क्या हो रहा है। अब यहां पर एक आपको यहां पर हायर हाई दिखा था, अब यहाँ पे लोअर हाई दिख रहा है। अब यहां पर जो है जहां से मार्केट एग्जैक्टली मुड़ी थी और यहां पर हमको सपोर्ट पर हमको यहां पर जब ये बना है अपना बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है, तो देखिए जब हमको दो हायर हाई हमको यहां पर मिल गए हैं तो हमने क्या किया है, हमने इसको इस तरह से ट्रायंगल अपना एक जो है ट्रेंड लाइन हमने अपने यहां पर ड्रॉ करके रख दी थी। और लास्ट टाइम हमको जब हमको सपोर्ट यहां पर मिला है, अब हमको ये देखना है कि हमने अपना स्टॉक कहां पर बुक करना है। तो अपना स्टॉक हमने कहां बुक करना है, हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे। हमने इसको, मैं 1 मिनट सही कर देता हूं, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब इस टाइम यहां पर जब मार्केट यहां से रिवर्स हुई है तो देखिए यहां पर हमको एक और लोअर हाई मिल चुका है। अब ऐसा ये लोअर हाई मिलने से देखिए हमारा एक ट्रेंड लाइन तैयार हो गया है। अब यहां पर जब हमारी एंट्री हुई थी तो हमारा जो है टारगेट क्या था, हमारा टारगेट पहले तो ये ट्रेंड लाइन था कि यहां से ट्रेंड लाइन से रिवर्स हो सकती है। अगर कोई हमको इस तरह का कोई कैंडल दिखाई देगा, बीरिश कैंडल दिखाई देगी, फिर तो मार्केट जो है रिवर्स होके इसको तोड़कर नीचे जा सकती है। बट यहां पर ऐसा कुछ सिनेरियो दिखाई नहीं दिया और यहां पर देखिए इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद देखिए अगला हमारा जो टारगेट क्या होता, ये जो हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखी हुई है, बट इस रेजिस्टेंस को भी यहां पर भी कोई ऐसी कैंडल फॉर्म नहीं हुई जिससे कि हम सेल साइड का ट्रेड बना सके। अब अगला रेजिस्टेंस हमारा ये था, ये देखिए यहां पर, तो ये देखिए इस रेजिस्टेंस पे हमने एक अपना रेजिस्टेंस ड्रॉ करके पहले से रखा हुआ था। हमारा मतलब टारगेट था या तो ये रेजिस्टेंस हमारा टारगेट होगा या तो ये रेजिस्टेंस हमारा टारगेट होगा, ठीक है ना। तो हमने जो है ये ड्रॉ करके रखा हुआ था। फाइनली यहां पर जो है देखिए हमको एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल मिल गई और देखिए मार्केट ने यहां पर सस्टेन करना चालू कर दिया। मार्केट ने सस्टेन करना चालू कर दिया, हमने अपना जो है रेंज हमने डिसाइड कर ली। ये हमारी रेंज निकल कर आ रही थी 3,087 रुपये। अगर इसको ब्रेक करेगा तो हम सेल साइड के लिए जाएंगे और अगर ये ऊपर की तरफ जो है 3,200 ब्रेक करेगा तो हम बाय साइड के लिए जाएंगे। लेकिन फाइनली क्या हुआ, यहां पर जो है 3,080 के लेवल पर इसने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद देखिए लास्ट किसी सपोर्ट पर आके रुका। ये जो हमारा सपोर्ट था देखिए इस सपोर्ट को ब्रेक किया, बट ये जो सपोर्ट था इससे पहले हम एक अपना कोई यहां पर देख लेते हैं, इसके बाद में यहां पर सपोर्ट कौन सा निकल के आ रहे हैं। जी हाँ, ये सपोर्ट है, ये आप देख सकते हैं। मैं ये दो तीन सपोर्ट ड्रॉ कर लेता हूं ना, तो आप लोगों को जो है आगे के लिए, सॉरी, एक जो मेन सपोर्ट निकल के आ रहा है ये देखिए, ये जो बना हुआ है। चलिए अब चलते हैं हम, चलिए अब देखिए क्या हो रहा है। यहां पर जो है देखिए इस सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया जो हमने सपोर्ट ड्रॉ करके रखी हुई थी। इसके बाद जो सपोर्ट निकल के आ रहा था वो सपोर्ट का 2,620 रुपए पर। फाइनली जो है स्टॉक ने 2,620 रुपए पर आके सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद देखिए लास्ट टाइम जैसे जिस तरह से चल रहा था, सपोर्ट पे आने के बाद जो है 5-7 दिन सस्टेन करता है, फिर यहां पर सपोर्ट पे आने के बाद 5-7 दिन सस्टेन करता है। देखिए ये इस स्टॉक का बिहेवियर है, मैं इस स्टॉक में अक्सर ट्रेड करता रहता हूं तो मुझे इस स्टॉक का बिहेवियर पता है। ये क्या करता है, ये जब भी सपोर्ट पे आएगा या रेजिस्टेंस पे आएगा तो ये कुछ टाइम तक वहां पर सस्टेन करता है। सस्टेन करने के बाद फाइनली ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है। तो यहां पर भी देखिए इसने जो है कंटिन्यू यहाँ कुछ दिन कुछ टाइम सस्टेन किया है। सस्टेन करने के बाद फिर जो है ऊपर की तरफ, और ऊपर से यहां पर देखिए अगर हम देखें हमको एक ट्रेंड लाइन मिल रही है, ये मैं इधर से ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लेता हूँ। एग्जैक्टली तो नहीं लग पा रही, ऊपर जो है वो लिखा हुआ आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये देखिए क्या हो रहा है, अब हमको जो है एक रेंज मिल चुकी है, ठीक है ना। ये रेंज जो है 2,2600 रुपए की है, ये रेंज 2,700 रुपए की है, ये रेंज जो है 3,000 रुपए की है और ऊपर जो है 3,200 रुपए की है। तो हमारे पास चार सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल चुके हैं, अब हम इसी के बेस पर नियर अबाउट ट्रेड करेंगे। तो सॉरी मैं जो है ना ये सब चीजें थोड़ी डिलीट कर देता हूँ, आप लोग को जो है देखने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो
तो अभी इस ट्रेंड लाइन का काम खत्म हो गया, ये मैंने आपको समझा दिया है, तो इसको मैं जो है डिलीट कर देता हूँ। तो हमारे पास जो है ये देखिए, अब जो ये सब चीजें निकल के आ रही हैं, तो एक तो हम जो है ये सपोर्ट यहाँ पर अपना ड्रॉ करके रखेंगे, ये जो चला आ रहा था हमारा कंटिन्यू, ठीक है। तो ये देखिए सॉरी, हाँ यहाँ पर सपोर्ट पर आने के बाद यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नियर अबाउट 15 से 20 दिन तक यहाँ पर इसने सस्टेन किया है, और सस्टेन करने के बाद फाइनली जो है ये ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन हमने ऊपर से ड्रॉ करके रखी हुई थी, ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई थी, हमारा फाइनल टारगेट अब ये होता। तो हमारा जो है यहाँ पर फाइनल टारगेट यहाँ अचीव हुआ, और यहाँ पर हमको जो है देखिए बहुत ही जबरदस्त जो है बीरिश कैंडल मिली, और जो है जिसको हम बीरिश एंगल्फिंग कहते हैं। तो ये बीरिश कैंडल मिलने के बाद देखिए जो हमारा अब जो हमारा जो रेंज बनी हुई है, देखिए हमारी रेंज एक तो ये है 2700 रुपये, दूसरी हमारी जो है 2600 रुपये है, और तीसरी जो है हमारी 2480 रुपये है। तो ये जो सपोर्ट हम अपनी ड्रॉ करके रखेंगे, तो देखिए जब हम यहाँ पर सेल करेंगे तो हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा पहला टारगेट तो ये होगा 2700 रुपये, दूसरा टारगेट होगा ये 2600 रुपये, और तीसरा टारगेट होगा 2490 रुपये। और देखिए यहाँ पर जो है हमारे तीनों के तीनों टारगेट अचीव हुए। देखिए सपोर्ट पर ये, ना तो इस सपोर्ट पर ना ही इस सपोर्ट पर कोई ऐसी कैंडल नहीं मिली जो हमको बताए कि मतलब यहाँ से सपोर्ट स्टॉक जो है ऊपर जा सकता है, और फाइनली ऐसा ही हुआ। यहाँ पर जो है देखिए सीधा डायरेक्ट यहाँ पर ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद डायरेक्ट जो है लास्ट वाले अपने सपोर्ट पर आके इसने जो है सपोर्ट लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, अब ये देखिए कंटिन्यू हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहीं तक रखता हूँ इसको। अब देखिए ये जो कंटिन्यू हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, तो क्या अब जैसे मान लीजिए हमारा जो हमने ये सपोर्ट ड्रॉ करके रखा हुआ था, तो जब इसका ये ब्रेकआउट हुआ है, आप जरा ध्यान से देखिए ये जो इसका ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट करने के लिए ये स्टॉक जो है 2730 रुपये के लेवल पर आया है, ठीक है। अब जब 2730 रुपये के लेवल पर आया, तो हमको एकदम से यहाँ पर एंट्री नहीं ले लेनी है, हमको यहाँ पर कुछ कन्फर्मेशन चाहिए, उसके बाद हम यहाँ पर बाय एंट्री लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बुलिश हैमर कैंडल बनी है, बुलिश हैमर कैंडल बनने के बाद अगली कैंडल जो बनी है ये बनी है बुलिश एंगल्फिंग, और एक और हमको यहाँ पर कन्फर्मेशन मिल रही है, ये देखिए एक ये छोटी सी ट्रेंड लाइन बन रही है जिसका यहाँ पर ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है, चाहे आप यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न टाइप का बना सकते हैं ये इस तरह से, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बना, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ गया, अब ये जो है कंटिन्यू देखिए छोटे छोटे फ्लैग बनाते हुए, छोटे छोटे फ्लैग बनाते हुए ऊपर की तरफ जो है निकल रहा है। ये देखिए यहाँ भी फ्लैग बनाया, यहाँ भी इसका ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ गया, अब ये देखिए यहाँ पर जो है ये हायर हाई, ये हायर हाई, ये हायर हाई, अब जो है इसने हायर हाई बनाने बंद कर दिए हैं। देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि अब ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में आने वाला है, देखिए आपको इस तरह से पता लगेगा जब कोई भी स्टॉक अपना बिहेवियर जिस तरह से चलता आ रहा है, जैसे ये हायर हाई बनाते हुए, जैसे ये हायर हाई बनाया, ये हायर हाई बनाया, ये हायर हाई बनाया, बट अब जो है ये जो हाई जो लगा हुआ है इसको क्रॉस नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं आप मेरी बात, अब इसका हाई जो है ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पर हम बाइंग की पोजीशन बिल्कुल जो है यहाँ पर एग्जिट अपनी कर लेंगे, और अभी हम सेल साइड के लिए देखेंगे अगर हमको यहाँ पर कोई सिग्नल मिलता है तो। और सेकेंडली एक जो रेजिस्टेंस पर पीछे रेजिस्टेंस बना हुआ है, हम इसका रेजिस्टेंस देख लेते हैं कहाँ पर है। हाँ जी हाँ, ये देखिए हमने ये जो लाइन ड्रॉ करके रखी हुई थी हमने इसको एक्सटेंड कर लिया, तो हमको ये जो है एक ये देखिए हाँ हमको ये रेजिस्टेंस मिल गया है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलने के बाद देखिए जब यहाँ पर रेजिस्टेंस इसने फेस किया है, रेजिस्टेंस फेस करने के बाद इसने जो है शूटिंग स्टार कैंडल बनानी शुरू कर दी है। ये देखिए एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है, फिर एक जो हैमर बना दिए, फिर यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बना ली है। तो अब देखिए यहाँ पर रेंज बन चुकी है 1 2 3 4 5 6। देखिए किसी भी स्टॉक को सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आने के बाद जब वो रेंज बनाता है, तो उस रेंज के को ब्रेक करने का वेट करिए, एकदम से उसमें जंप मत करिए। अगर आप एकदम से उसमें जंप कर जाएंगे तो आपका जो है एसएल हिट हो सकता है। जब कोई भी स्टॉक आप देख रहे हैं उसका बिहेवियर इस तरह से बिहेव करता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर जाने के बाद वो जो है कुछ टाइम सस्टेन करता है, तो उसको सस्टेन होने दीजिए। जब उसकी रेंज बन जाती है, मान लीजिए 100 रुपये की रेंज बन गई है, तो 100 रुपये की रेंज को पहले ब्रेक होने दीजिए, ब्रेक होने के बाद जब उसका लो ब्रेक होता है तब उसमें एंट्री लीजिए, अदरवाइज जो है इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हम इसको लंबे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर एक हायर हाई बन रहा है, यहाँ पर हाई हाई बन रहा है, यहाँ पर हाई हायर हाई बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाते हुए ये देखिए यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है।
अब हमने मान लीजिए यहां से बाइंग कर ली, यहां पे देखिए यहां पे भी एक छोटी सी रेंज बनाई। जैसे मैं आपको बताता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आने के बाद ये अक्सर इस तरह से करता है। देखिए इसको यहां पर ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट मिला, सपोर्ट मिलने के बाद 5-6 दिन ये सस्टेन होता रहा, सस्टेन होने के बाद फाइनली इसने जो है अपनी रेंज ब्रेक की और रेंज ब्रेक करने के बाद सीधा ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमने यहां से तो बाइंग तो कर ली है, बाइंग अब ऊपर यहां पर जो है हमको नियर अबाउट कहीं रेजिस्टेंस भी मिल चुका है। ये जो हमने लाइन ड्रॉ करके रखी हुई थी इसको हम जो हमने जो है एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, अब ये एक्सटेंड करने के बाद ये देखिए हमको यहां पर रेजिस्टेंस, हमने यहां अपना प्रॉफिट बुक किया। ओके, अब ये देखिए जब ये ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा तो ये स्टॉक कहां तक गिरेगा। हमारा जो है मेन मोटिव ये होता है कि कोई भी स्टॉक अगर नीचे से ऊपर की तरफ चला है तो वो ऊपर की तरफ कितना जाएगा, और कोई भी स्टॉक अगर नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो नीचे कितना गिरेगा वो हमने देखना होता है। तो उसके लिए देखिए हमने जो ये लाइन ड्रॉ करके रखी हुई थी ट्रेंड लाइन, इसको हम एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, और एक्सटेंड करने के बाद हमको ये मालूम पड़ा कि ये देखिए ये स्टॉक यहां तक गिर सकता है, अगर ये इसको भी ब्रेक करता है तो ये हमारी यहाँ पे सपोर्ट ये जो है यहां पर आ सकता है, यहां पे आ सकता है और यहां पे आ सकता है। तो फाइनली यहां पर स्टॉक ने आकर थोड़ा वेट किया, और वेट करने के बाद यहां पर एक बहुत अच्छी बुलिश हैमर कैंडल बनाई, और बुलिश हैमर कैंडल बनाने के बाद फाइनली जो है जो इसका रेजिस्टेंस था ऊपर 3150 रुपए पर उसको टच किया। ठीक है, अभी स्टॉक देखिए फिर ऊपर की तरफ गया है, ऊपर की तरफ जाने के बाद अभी हमारा जो है रेजिस्टेंस पे हमको मिला, तो अब जब हम सेल करेंगे तो हमारा टारगेट क्या होगा, हमारी टारगेट पहले ही ट्रेंड लाइन होगी। ठीक है ना, तो हमारे देखिए 2 ही 3 दिन में हमारा टारगेट अचीव हुआ, फिर ये ऊपर की तरफ गया, और फाइनली देखिए 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 कोई भी स्टॉक 4 से 5 टाइम अगर किसी सपोर्ट को या किसी रेजिस्टेंस को या किसी ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सपोर्ट, वो रेजिस्टेंस, वो ट्रेंड लाइन वो वीक होते जा रहा है। देखिए अगर तो इसको अगर टच करता यहां से 500 रुपए ऊपर जाने के बाद, यहां से 1000 रुपए ऊपर जाने के बाद, यहां से 1500 रुपए ऊपर जाने के बाद, तब ये सपोर्ट जो है जो इसको सपोर्ट मिल रही है ये सपोर्ट जो है बहुत मजबूत होती जाती। लेकिन अब ये छोटी सी रेंज के अंदर ही बार बार आके इसको टच कर रहा है, देख रहे हैं आप, छोटी सी रेंज के अंदर आने के बाद बार बार इसको टच कर रहा है, बार बार इसको टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये सपोर्ट वीक हो रही है। ठीक है ना, तो जब 1, 2, 3 जब 3 बार टच कर दिया तो चौथी बार हमको जो है यहां से बाइंग बिल्कुल नहीं बनानी है, क्योंकि चौथी और पांचवी टाइम अक्सर जो है इसके ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट हो जाते हैं। ठीक है, तो और यहां पर देखिए हमने जो है ये जो हमने एक ड्रॉ कर रखा हुआ था, सॉरी पहले मैं इसको यार डिलीट कर दूं, यहां बना के रखा हुआ था, इसको हम इस तरह से एक्सटेंड कर लेंगे अपना। ठीक है, सॉरी इस तरह से हमने एक्सटेंड कर लिया। ये देखिए यहां पर देखिए एक मल्टी कन्फर्मेशन जो मैं आपको बार बार बताता हूं, यहां पर मल्टी कन्फर्मेशन हमको ये चीज मिली थी कि एक तो यहां पर हमको ये सपोर्ट था हॉरिजॉन्टल लाइन का, दूसरा सपोर्ट था ट्रेंड लाइन का। तो जब यहां पर दो सपोर्टें जब इकट्ठी यहां पर हैं और इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब यहां से हम बाइंग कर सकते हैं। अब इसी को जो है हम जो है एक्सटेंड कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको एक्सटेंड कर लिया, और फाइनली देखिए अब क्या हो रहा है, यहां पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, यहां पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, और नीचे आने के बाद देखिए ये रीटेस्ट करने के लिए गया हुआ है। अब ये देखिए ये जैसे कि यहां से जैसे नीचे आया है, सॉरी मैं कलर चेंज कर लेता हूं तो आपको दिखाई देगा अच्छे से, यहां से नीचे आया है, नीचे आने के बाद ये देखिए रीटेस्ट करने के लिए ये ऊपर गया है। कहां पर ऊपर गया है, जहां पर ये बार बार सपोर्ट ले रहा था अब यही सपोर्ट इसका रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, जहां पर ये बार बार 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम था, और 4 टाइम पे यहां पर ब्रेक हुआ और यहां पर देखिए रीटेस्ट करने के लिए यहां पर गया। अब हम यहां पे जो है बिल्कुल जो है ब्रेक होते ही हमने एंट्री नहीं लेनी है, हमने वेट करना है रीटेस्ट का। तो यहां पर देखिए रीटेस्ट हुआ है, रीटेस्ट होने के बाद देखिए यहां पर कितनी अच्छी बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है, बट हम यहां पर एंट्री नहीं लेंगे। हम एंट्री कहां पर लेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया है किसी भी स्टॉक का बिहेवियर समझिए, वो किस तरह से बिहेव करता है, उसको मूवमेंट किस तरह से होती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बजाज ऑटो में क्या होता है, बजाज ऑटो में सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आने के बाद स्टॉक जो है 5 से 10 दिन जो है साइडवेज हो जाता है। ठीक है, तो आपको बजाज ऑटो के स्टॉक में क्या करना है, जब ये अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आने के बाद जब ये साइडवेज हो तो आपने उसकी एक रेंज डिसाइड कर लेनी है। जैसे देखिए ये ऊपर की रेंज हो गई, ये रेंज ऊपर की हो गई है, और यहां पर हमने जो है एक नीचे की रेंज बना दी है।
तो ऊपर की रेंज जो है 2900 रुपये की है और नीचे की रेंज जो है 2798 रुपये की है, मतलब 2800 रुपये, मतलब 100 रुपये की रेंज है। अब ये 100 रुपये का रेंज जो है, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता हम ऊपर के लिए बाइंग के लिए हम देखेंगे, और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा तो हम नीचे के, अब देखिए वैसे हमने तो जो है नीचे की तरफ ही देखना है क्योंकि यहां पर ऊपर से एक ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ है, ठीक है ना। तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा भी तो इसको हम फेक फेक ब्रेकआउट मानेंगे क्योंकि अभी तक हमारी इसमें एंट्री हुई नहीं है, ठीक है ना। कई लोग इसमें जंप कर जाते हैं एंट्री लेके, ऐसा हिट करा के पैसे नुकसान करके बैठ जाते हैं। तो यहां पर हमारी कोई अभी एंट्री हुई नहीं है, तो एंट्री देखिए यहां पर जब इसने ब्रेकआउट किया था, ये रीटेस्ट हो रहा है। रीटेस्ट होने के बाद ये कैंडल पर भी हमारी एंट्री नहीं हुई है, जब इसका ये रेंज ब्रेक हुआ है तब यहां पर हमारी एंट्री हुई है। ये देखिए कितने पे, 2800 रुपये पे एंट्री हुई है और फाइनल टारगेट हमको जो है यहां पर मिला है 2430 रुपये का। तो नियर वो 550 पॉइंट, 350-400 पॉइंट जो है मिला, बहुत होता है, कम नहीं होता है। तो देखिए यहां पर हमने जो सपोर्ट ड्रॉ करके रखी हुई थी इसी को जो है हम आगे की तरफ लेके आएंगे। अब देखिए यहां पर रिटेस्ट करने के बाद ये सीधा लास्ट वाले सपोर्ट पर आके, जो इसका सपोर्ट था 2490 रुपये पर, वहां पर आके इसने सपोर्ट लिया है। और यहां पे सपोर्ट लेने के बाद देखिए अब यहां पर भी देखिए अब क्या हो रहा है, यहां देखिए ध्यान से, यहां पर आके इसने सपोर्ट लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 10, नियर अबाउट 10 दिन यहां पर ये जो है साइडवेज हुआ है, 10 दिन, ठीक है ना। जैसा मैंने आपको बताया कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आके साइडवेज होता ही होता है, तो हमने इसकी रेंज डिसाइड कर ली है। देखिए हमने इसकी यहां पर रेंज डिसाइड कर ली, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, 5 टाइम आके देखिए यहां पर इसने रेजिस्टेंस लिया और फाइनली जो है 1 2 3 4 पांचवी बार जो है इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है ना। अब ब्रेकआउट करने के बाद हमारी एंट्री कहाँ होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ब्रेकआउट होने के बाद ये देखिए यहां पर आने के दिए, फिर कुछ दिन के लिए साइडवेज हुआ और फाइनली देखिए इसने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद इसके ऊपर जैसे ब्रेक स्टॉक निकलेगा हमारी एंट्री हो जाएगी। तो 2780 रुपये के ऊपर स्टॉक निकला, उसके बाद फिर हमारी एंट्री हो गई। और इसको अगर हम देखना चाहें तो एक लॉन्ग व्यू के हिसाब से देख सकते हैं, तो हम यहां पर एक ट्रेंड लाइन यहां पर हम एक इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब ये देखिए जैसा कि मैं आपको बताता हूं, अब ये सब मैं डिलीट कर देता हूं, चलिए आगे चलते हैं। हाँ ये देखिए एक यहां पर एक तो सॉरी यार, ये है ठीक है, ये देखिए एक तो यहां पर इसको सपोर्ट ये है, रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। दूसरा ऊपर से ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इसका मतलब ये है कि यहां पर दो हर्डल हैं, एक तो ट्रेंड लाइन का हर्डल है और दूसरा जो है रेजिस्टेंस का हर्डल है। अगर ये ब्रेक होता है तो ऐसा पॉसिबल है कि इसमें बहुत अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ है, यहां पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है, जो ट्रेंड लाइन हमने यहां पर ड्रॉ करके रखी हुई थी। सेकेंडली यहां पर जो है इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट हो गया है, और ब्रेकआउट होने के बाद अब देखिए आपको रैली कितनी मिली है, 2600 2700 रुपये से लेकर नियर अबाउट कितना मिला है, 3293 रुपये। तो यह 600 रुपये की मूवमेंट बहुत होती है भाई, ठीक है ना। 600 रुपये की आपको यहाँ पर मूवमेंट मिली है। और ये देखिए सपोर्ट भी किस तरह से स्टॉक चलता गया है, आपको यहाँ पर ये चीज दिखाऊंगा मैं। ये देखिए सपोर्ट ये जब ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट कहाँ कर रहा है, जहां पर हमने पहले के सपोर्ट वगैरह ड्रॉ करके रखे हुए हैं, ठीक है ना। यहां पर भी देखिए कि हमने यहां पर रेजिस्टेंस ये ड्रॉ किया हुआ था, इसको चलिए इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जो पहले के आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ड्रॉ करके रखे हुए हैं वही चीजें मार्केट में काम करती हैं। आपको ऐसा नहीं है कि कोई नवी सपोर्ट ड्रॉ करनी है, कोई नवी रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है। देखिए किसी भी चार्ट को जो है ना, चार्ट का बिहेवियर समझिए, चार्ट का अगर बिहेवियर आप समझ जाएंगे तो समझ लीजिए आप चार्ट का सब कुछ समझ जाएंगे। चार्ट पैसे बनाने से जो है मार्केट में कोई डूब पाएगा। और यहां पर भी देखिए कितना अच्छा जो है फ्लैग बन रहा है, फ्लैग का ब्रेकआउट हो रहा है। देखिए पैटर्न के अंदर पैटर्न छुपे होते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी स्टॉक के चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको पैटर्न के अंदर पैटर्न मिलेंगे, ठीक है। चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ देखिए अब यहाँ पर जब फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट के बाद हमारा रेजिस्टेंस कहाँ पर है, अब हमारा रेजिस्टेंस ये था, ये देखिए। अब इस रेजिस्टेंस पे आने के बाद हमने तो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन फाइनली देखिए यहाँ पर जो है ब्रेकआउट इसका हो गया। लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद ये देखिए जैसा मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ कि बजाज ऑटो में का जो बिहेवियर है वो इसी तरह का है, ब्रेकआउट होने के बाद तो कुछ दिन सस्टेन हो जाता है, ठीक है ना, सस्टेन होना जाता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ दिन तो नहीं है, कुछ महीनों के लिए यहाँ पर सस्टेन हो गया है। ये देखिए अब मैं यहाँ पर एक रेंज ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर भी अब इसकी रेंज बन चुकी है। ये देखिए जब यहां पर इसका इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद जैसा मैं आपको बताता हूं कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर जाकर ये जो है साइडवेज होता है कुछ दिनों के लिए। तो यहां पर देखिए
कितने दिन के लिए साइडवेज हो गया, ये नियर अबाउट अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक 3 महीनों के लिए ये साइडवेज हो गया। और फाइनली देखिए जब इसने इसका ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद फिर देखिए रिटेस्ट करने गया, रिटेस्ट करने के बाद लेकिन अब इस बार देखिए इस बार क्या हो रहा है, इस बार इसने हायर हाई बना दिया है, इसको हायर लो, इसको जैसा कि हायर लो बनाना चाहिए था बट इसने इस बार हायर, ये देखिए इस तरह से आया, ठीक है, फिर इस तरह से गया, ठीक है, फिर इसको इस तरह से आना चाहिए था नीचे की तरफ, ठीक है, बट यहां पर क्या कर रहा है ये हायर हाई बना रहा है, ठीक है ना। तो हायर हाई का मतलब क्या होता है, स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। तो देखिए अब हमारी एनालिसिस क्या कहती है, हम जो है फाइनली जो है निचोड़ जो आने वाले टाइम में क्या होगा, देखिए अब मैं मेन चीज की बात करूंगा जिस चीज के लिए जो है लोग ज्यादातर वीडियो देखना प्रेफर करते हैं कि यार स्टॉक में आने वाले टाइम में क्या होगा, ठीक है ना, मैं अब आपको वो चीज बताने जा रहा हूँ, आप मेरी ये वीडियो जो है ध्यान से देखिए, सॉरी यार मैं क्या कर रहा भाई, हाँ ये चीज लेता हूँ। अब देखिए अब अगर अगर तो अब ये लो ब्रेक होता है नियर अबाउट 3,000 रुपये के नीचे, अगर ये बजाय ऑटो आता है तो आप इसमें क्लियर कट इसमें सेल साइड में जाइए, और सेल साइड में आपको 300 से 400 पॉइंट की यहां पर रैली बहुत आराम से देखने को मिल जाएगी। बट इसमें जो है इसने यहां पर हायर हाई बनाना चालू किया है, आप ये देख सकते हैं, ये देखिए इसने हायर हाई बनाना चालू किया है, ये देखिए, ठीक है। तो अब ये स्टॉक जो है इस तरह से जाएगा, इसकी मूवमेंट जो होगी देखिए इसकी मूवमेंट किस तरह से होगी, मैं आपको इसकी मूवमेंट भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ये देखिए ऊपर गया है, फिर ये नीचे आया है, फिर ये ऊपर की तरफ गया है, फिर ये नीचे की तरफ आएगा, फिर यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ये जो हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये जो हमने रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करके रखी हुई है, सॉरी मैं यार इसको लेता हूँ तभी पता चलेगा, ये जो हमने रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करके रखी हुई है इसको हम इस तरह से एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें इस तरह से इस बार मूवमेंट हो सकती है, इसका जरा ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ पर हमारी बाइंग पोजीशन कब बननी है, अभी यहाँ पर देखिए कहीं बीच में बाइंग पोजीशन मत बनाइए, बीच में बाइंग पोजीशन बनाकर आप फंस सकते हैं, ठीक है ना। आप बाइंग पोजीशन देखिए यहाँ पर आने दीजिए स्टॉक को, इस लेवल पर 3110 और 3100 के लेवल पर आने दीजिए, जब ये स्टॉक आपको 3100 3110 के लेवल पर मिलेगा और यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनाएगा, कोई बुलिश एंगलफिंग कैंडल बनाएगा, कोई बुलिश हरामी कैंडल बनाएगा, कोई रेलवे ट्रैक टाइप का पैटर्न बनाएगा, मतलब कुछ भी अगर मल्टी कन्फर्मेशन यहाँ पर अगर आपको मिलती है तब जाकर यहाँ पर बाइंग साइड में ट्रेड लीजिए। और ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता ये यहाँ से इस तरह से इसको ब्रेक कर दे और इस तरह से आए, जैसे कि ये देखिए इस तरह से चल रहा है, इधर नीचे आया फिर इधर ऊपर की तरफ गया, फिर इसको ये ब्रेक करके यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर आप रिटेस्ट करने के लिए जा सकता है, यहाँ पर अगर आपको किसी तरह की कोई भी और रिटेस्ट, और सेकंड आपको मैं एक चीज और दिखा दूँ, यहाँ पर जो है हमारे थोड़ी मल्टी कन्फर्मेशन हो जाएगी इस तरह से जब ये आएगा, ये देखिए जो हमने सपोर्ट ड्रॉ करके रखी इसको एक्सचेंज किया है, तो इसके देखिए दो चांस है, मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूँ। ऊपर जाने के बाद ये देखिए हायर हाई बनाया है, फिर ये ऊपर गया है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है, आपको इस ट्रेंड लाइन पर मिल सकता है, ट्रेंड लाइन पर मिलने के बाद यहाँ से ब्रेक करके ये जो ऊपर रेजिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट तो सिनेरियो ये बन रहा है, और सेकंड सिनेरियो देखिए क्या बन रहा है, जो ये देखिए यहाँ से ये 2975 रुपये से देखिए इसने हाई लगाया 3156 रुपये का, उसके बाद फिर जो है इसे ट्रेंड लाइन पर आया 3045 रुपये के, अभी ये देखिए ये ट्रेड कर रहा है 3200 के नियर अबाउट, 3143 रुपये के नियर अबाउट, अब ये क्या कर सकता है, अब ये नीचे की तरफ भी इसको जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करके रखी हुई है नीचे की तरफ भी इसको ब्रेकआउट कर सकता है, और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए जा सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ये देखिए आपको यहाँ पर एक रेंज मिल जाएगी, ठीक है, ये रेंज मिल जाएगी, या तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, कोई आपको अगर बियरिश टाइप की कोई कैंडल मिलती है, कोई मल्टी कन्फर्मेशन मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके पास दो मल्टी कन्फर्मेशन हो जाएंगे, एक ये ट्रेंड लाइन है, ये देखिए जो हमने नीचे से ड्रॉ करके रखी हुई है ये ट्रेंड लाइन है, और एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसके बाद दो हर्डल है, अगर ये नीचे आने के बाद ऊपर जाता है तो, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, यहाँ पर ये सपोर्ट पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने के बाद जो है इसका ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाई गई चार्ट जो है अपना जो भी मैं एनालिसिस करके बताता हूँ आप लोग को अच्छा लगता होगा, आप लोग को समझ आता होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगता हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर ना अच्छा लगे तो वीडियो को डिसलाइक करें,
ठीक है। बाकी मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हर वीकेंड पर आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा कुछ लेकर आऊं, जिससे आप लोगों की जो है नॉलेज बढ़े। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कट कहना चाहता हूं कि देखिए विदाउट नॉलेज मार्केट में जंप करना इज अ वेरी डेंजरस थिंग, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप देखिए पहले उसको सीख लीजिए, ठीक है ना। सीखने के बाद ट्रेड करिए। अगर विदाउट नॉलेज अगर आप मार्केट में जंप कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए चाहे सेब जो है चाकू के ऊपर गिरे, चाहे चाकू सेब के ऊपर गिरे, नुकसान सेब का ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर मेरी किसी तरह की भी कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर मेरा नंबर वगैरह भी है, मैं आपकी वहाँ पर पूरी हेल्प करूँगा। अगर आपको किसी तरह की चार्ट पैटर्न ड्रॉ करने में, किसी तरह की टेक्निकल एनालिसिस करने में किसी तरह कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपके लिए आपकी हेल्प करने के लिए तैयार बैठा हूँ। आप अपने चार्ट जो है मुझे मेरे नंबर पर सेंड कर सकते हैं, मैं आपके चार्ट देखूंगा। अगर मुझे उसमें कोई गलती लगी तो मैं उसको इम्प्रूव करके आपको जो है रीसेंड करूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।